हेलो फ्रेंड्स, अधिष्ठात्री किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे भरते की रेसिपी जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कैसा बनता होगा, बट मैं आपको बताऊँ तो ये भरता सबसे बेस्ट भरता बनता है, बैंगन के भरते से भी अच्छा बनता है। और इस भरते का नाम है शलगम का भरता। आप इस भरते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। शलगम का भरता बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने शलगम, जिनका वेट है 1 किलो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ टमाटर। शलगम और टमाटर को मैंने पहले से ही धो करके रखा हुआ है। अब मैं कुछ ग्रीन चिलीज तोड़ लूँगी जो कि मैंने उगाई थी। तो देखिए कितनी अच्छी खेती हुई है इस बार हरी मिर्च की। फ्रेंड्स, इनको मैंने तोड़ लिया है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले देखिए शलगम मैंने यहाँ पर लिए हैं और इनकी जो ऊपर का ये क्राउन होता है इसको मैं कट कर लूँगी और इनको हम छील लेंगे। इस तरीके से मैंने इनको पहले छील लिया है और छीलने के बाद अब मैं इनको यहाँ पर रफली चॉप कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इनको पतले मत काटिएगा, मीडियम साइज़ में इनको आप चॉप कर लीजिएगा। सिर्फ हमें सुनने में लगता है कि शलगम है तो खाने में इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। इतना अच्छा इसका भरता बनकर तैयार होता है कि आप इसके बाद बैंगन का भरता खाना भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने एक प्रेशर कुकर। अब मैं इसमें जो ये शलगम मैंने काटा है इसको ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसमें लगभग आधा गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। तो पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें लगा लूँगी 3 सीटी। यहाँ पर देखिए आप, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ना तो नमक ना ही हल्दी। बहुत से लोग इसमें दोनों चीज़ ऐड कर देते हैं, बट मैंने इसको सिर्फ पानी डालकर ही बॉयल किया हुआ है। तो 3 सीटी के बाद देखिए ये कितने अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में सेपरेट कर लूँगी। तो चलिए अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। अब इस भरते में बहुत अच्छा टेस्ट डालने के लिए मैंने क्या किया है कि टमाटर को पहले मैंने थोड़ा सा भून लिया है। ऐसा करने से इस भरते के अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आएगा, जैसे कि हम कोई भी तंदूरी डिश खाते हैं ना, उस तरीके का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। लगभग 5 से 7 मिनट का समय लगेगा इन टमाटर को भूनने के लिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इन टमाटर को भून लिया है। तो देखिए टमाटर तो हमारे भून चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इनको चूल्हे से उतार लूंगी। यहाँ पर टमाटर को छीलने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करती हूँ। हमें करना क्या चाहिए कि इसको ठंडे पानी से हमें धो लेना है। जैसे ही हम इसको ठंडे पानी से धोएंगे तो ये छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। यूँ तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, बट ऐसी ट्रिक्स अपनाने से क्या होता है कि हमारे काम में एक ईजीनेस आ जाती है। तो टमाटर हमारे छील चुके हैं और इसके बाद देखिए मैंने इनको मोटा मोटा काट लिया था। जब इनकी कटिंग हो जाएगी तो मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का छोटे वाला जार और इसका मैंने अच्छे से एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने इसको तैयार कर लिया है और इसको सेपरेट कर लिया है कटोरी के अंदर। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन और इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल ऐड कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड किया है। जब जीरा हमारा चटक जाएगा तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्ची और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। लगभग 5 से 10 सेकंड के लिए मैं इसको भून लूंगी। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको इसमें नहीं भूनना है, क्योंकि ज़्यादा अगर भून लेंगे तो ये जल सकता है और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इसमें 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने यहाँ पर गोल्डन होने तक के लिए भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक ऐड किया है। थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पर सौंफ धनिया का पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर दी है। सभी मसालों को मैं 2 से 3 सेकंड के लिए धीमी आंच पर भून लूँगी। जब भी हम ये मसाले भूनें तो गैस की आंच हमेशा कम ही रहनी चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए मसाला तो भून चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो देखिए टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट तक के लिए भून लिया था। यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है हरा धनिया की जो डंठल होती है उसको बारीक काट कर मैंने रखा हुआ था, वो इस मसाले में मैंने ऐड किया है। उसको मिक्स करने के बाद देखिए 2 मिनट तक के लिए मैंने इसको पका लिया था। जब ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है उबला हुआ शलगम। इस शलगम को मैं मिक्स कर लूँगी मसाले में और देखिए इसी स्पून की हेल्प से मैंने ये पूरा शलगम इसमें मैश कर लिया था। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगा, क्योंकि शलगम के अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो इस भरते के अंदर एक सिल्कीनेस लाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बटर भी ऐड कर दिया है। बटर ऐड करने से होगा ये कि इसमें एक तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस भरते के अंदर एक सिल्कीनेस आ जाएगी। तो जल्दी से इस बटर को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और जब ये बटर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिए है आधा कटोरी के करीब उबले हुए मटर।
मटर को ऐड करना इसमें टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको मटर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे घर में इस भरते के अंदर सभी को मटर बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैंने इस भरते में मटर को ऐड कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें अच्छी तरह से मटर को मिक्स कर लिया है और 5 मिनट तक के लिए मैंने इसको और भूना, और भूनने के बाद मैंने इसमें अब ऐड कर दिया है कटा हुआ हरा धनिया। धनिया ऐड करने के बाद वापस से इसको मिक्स किया है 1 से 2 मिनट तक के लिए, वापस से इसको भून लिया था। तो देखिए कितना अच्छा बनकर ये रेडी हुआ है। कर लेते हैं इसकी फाइनल प्लेटिंग फ्रेंड्स। इस भरते को आप मक्का की रोटी के साथ, बाजरा की रोटी के साथ या सिंपल पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।